Wow, jamun smoothie. Looking so delicious. हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपकी दोस्त अनीता प्रसाद और आज मैंने अपने घर में जामुन स्मूदी बनाया है। तो चलिए आइए हम लोग देख लेते हैं कि इसे मैंने कैसे बनाया है और इसे बनाने के लिए मैंने क्या क्या सामान लिया है। तो चलिए अब देर नहीं करते हैं दोस्तों, बनाना स्टार्ट करते हैं हम लोग। जामुन स्मूदी बनाने के लिए ये मैंने जामुन लिया है। अब इसके बीज को हम लोग निकाल देंगे। ये देखिए दोस्तों, मैंने जामुन को बीज से अलग कर लिया है। अब इसे हम लोग मिक्सी के जार में डालेंगे। ये देखिए मिक्सी के जार में मैंने डाल दिया है। अब इसमें हम लोग थोड़ी सी शहद डालेंगे, एक चम्मच के आसपास मैं डाल रही हूँ। आप अपने हिसाब से इसमें कम या ज्यादा डाल देंगे क्योंकि मुझे एक ग्लास ही बनाना है ये जामुन स्मूदी। और इसमें एक ग्लास नॉर्मल ठंडा पानी और इसे स्मूथ पेस्ट बना लेंगे। ये देखिए मैंने स्मूथ पेस्ट बना लिया है। आइए अब किसी पॉट में से निकाल लेते हैं। ये देखिए बोल में मैंने निकाल लिया है। अब इसमें आधा छोटी चम्मच भुना हुआ जीरा और धनिया, ये सब ऑप्शनल है दोस्तों अपने हिसाब से। इसमें आधा छोटी चम्मच काला नमक, ये सब हम लोग मिक्स कर देंगे। मिला लेंगे। आइए चलिए हमारा ग्लास रेडी है, इसमें हम लोग निकाल लेते हैं। ये देखिए हमारा ग्लास रेडी है। अब इसमें हम लोग इसे सावधानी से निकाल लेंगे। वाव वाव, देखिए कितना डिलीशियस दिख रहा है दोस्तों, शानदार। ये जामुन स्मूदी का एक फोटो ले लेती हूँ। तो दोस्तों मेरी बनाई हुई रेसिपी अगर आप लोगों को पसंद आई तो मेरे चैनल फूडी अनीता को लाइक, कमेंट और शेयर करें, और अच्छी लगे तो सब्सक्राइब भी कर दे दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई और मजेदार रेसिपी के साथ। बाय बाय दोस्तों।